मानसून के साथ मौसमी फलों की बाजार में आवक होने लगी है। इन्हीं फलों में एक जामुन का फल भी शामिल है। साल में सिर्फ 2 महीने मिलने वाला यह फल आयुर्वेद की दृष्टि से सेहत के लिए काफ़ी गुणकारी होता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों की माने तो जामुन का पूरा पेड़ औषधियों से भरा है। इसके फल, पत्तियाँ, छाल, लकड़ी, बीज का इस्तेमाल कई गंभीर रोगों को दूर करने में किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो मसूड़े से निकलने वाले खून में संक्रमण को फैलने से भी रोकते हैं। मुंह के छालों को दूर करता है, खून को शुद्ध करता है। पेट दर्द, डायबिटीज, गठिया, पैचिस, पाचन संबंधित कई तरह की गंभीर बीमारियों के लिए रामबाण है। जामुन का जो पेड़ है वो एक मान के चलिए कि जैसे आयुर्वेद में पंचांग कहा गया कि पत्ती, उसके उसकी छाल, उसके फूल, उसके फल, उसकी गुठली सभी आयुर्वेदिक औषधियों में कारागर है और लगभग सभी का उपयोग किया जाता है। लोकल एडियन से बातचीत में खरगोन के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य ने कहा है कि आयुर्वेद में जामुन का पेड़ पंचांग की श्रेणी में आता है, जिसके फूल, फल, पत्ते, छाल, गुठलियाँ सभी का इस्तेमाल औषधियों के रूप में किया जाता है। अगर हम देखें कि पत्तियों को देखें तो पत्तियों का अगर हम जूस निकाल के 5 ml 10 ml के इसमें अराउंड में दें तो ये डायरिया के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। जिन लोगों को डायरिया से जैसे कि एलोपैथिक दवाई से या कोई दवाई सूट नहीं करी था, अगर उसको हम प्राकृतिक रूप से देना चाहें तो उसका जूस भी देते हैं, उससे भी डायरिया में बहुत कुछ आराम लगता है। फिर जैसे अगर छाल का उपयोग भी हम दांतों के लिए कर सकते हैं, उसके तनहे का, उसके डाल का हम दातुन के रूप में कर सकते हैं, छाल के दांतों में, गले में कोई खराबी या दांतों की मजबूती के लिए उसके काढ़ा बना के उसके गरारे कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। फिर अपना जैसे कि फल है तो फल में भी उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स है, प्रोटीन की मात्रा रहती है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, फिर आयरन की मात्रा भी उसमें रहती है। तो फल का भी उपयोग हम एक तरीके से फुल्ली न्यूट्रीलाइट के रूप में हम उपयोग में कर सकते हैं। फिर बीज का उपयोग है, बीज का पाउडर बना के हम लोग जैसे कि जो बहुत ज़्यादा जिनको यूरिन बार बार आने की समस्या रहती है उनमें दे सकते हैं। एंटी डायबिटिक डायबिटीज में भी इनके बीज का पाउडर हम लोग उपयोग में करते हैं तो उसके भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस तरीके से हम लोग जैसे नर्वस सिस्टम में भी कुछ बीज का इसका उपयोग किया जाता है, जिससे एक ग्लूकोज लेवल का मेंटेनेंस बना रहता है बॉडी में। तो ये मान के चलिए कि जामुन के बीज और ये संपूर्ण वृक्ष या उसकी सभी चीज़ें आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में बराबर उपयोग में ली जाती है। आपको बता दें कि आजकल किसान जामुन की खेती भी करने लगे हैं। बाजार में हाइब्रिड जामुन भी बिकने के लिए आते हैं। वह इतने असरदार नहीं होते हैं जितने पेड़ों पर नदी के किनारे लगने वाले जामुन होते हैं। आयुर्वेद में ये जामुन ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पेड़ों पर लगने वाले जामुन छोटे आकार के होते हैं। लोकल एडिटिंग के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।